मैं अनिल मुरार का हमेशा सोशल कॉज से जुड़े रहते हैं कुछ ना कुछ, चाहे मुंबई जैसे शहर में आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं एक सोशलाइट हूँ, अपने आप में आप ठीक बोल सकते हैं, बट मैं भी एक आम हिंदुस्तानी हूँ, एक आपकी तरह ही एक आम कार्यकर्ता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कोई कोई चीज़ ऐसी करें जिसमें समाज के हित में कोई काम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट एक ऑफ लेट एक रिसेंट डेवलपमेंट किया हमने, परसों एक शॉर्ट फिल्म हमने डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है जो स्वच्छ भारत अभियान को लेके दिमाग में रखते हुए की। उसमें एक थॉट था, एक ये प्रयास था कि एक आवाम तक पहुँचे मैसेज। आज हम हिंदुस्तानी ये बिलीव करते हैं कि जब एक त्यौहार है अपना दिवाली, दिवाली पे हम सब पूरी घर की पूरी तरह से सफाई वगैरह करते हैं और करते हैं भाई, ये एक फिर लक्ष्मी पूजन करते हैं। थॉट ये रहता है कि भाई आज सफाई करें ताकि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और हमारे घर में टिके। उस थॉट को हमने उसको पिक्चराइज कराने की कोशिश की है और वो मासेस तक इस तरीके से हिट करे, रीच करे कि आदमी अपने आप से बात करे कि भाई सफाई रखना आज हमारा कर्तव्य है। इट्स नॉट अबाउट खाली हम मोदी जी को हम उस चीज़ में आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी का एक सपना है कि हिंदुस्तान भी आज बिल्कुल सफाई वाला देश रहे। ये अपनी अपनी हर आदमी की, हर इंसान की, हर हिंदुस्तानी की ड्यूटी होनी चाहिए कि भाई हम सफाई के लिए जितना प्रयास कर सकें वो करें। ये देश में सफाई का, मैं समझता हूँ आज 40-50 साल पहले सब सफाइयों का एक दौर होना चाहिए था, जब आज तो हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया कहलाता, जो एक टाइम था जब कहलाता था। उस चीज़ को दिमाग में रखते ही ये पिक्चराइज किया हमने। फिल्म का नाम क्या है? बेसिकली उसको एक इंग्लिश वर्जन का एक नाम दिया है, डोंट लेट हर गो। मकसद ये है कि भाई लक्ष्मी जी को अपने हाथ से या अपने घर से जाने मत दो। सर ये आइडिया जो है कैसे आपके माइंड में है कि इस पर फिल्म बनानी चाहिए? आप शायद हंसोगे मेरे पर, करीब करीब 2-1 साल पुरानी बात है। मैं बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे ट्रैवल कर रहा था, मेरा बेटा मेरे साथ था और कुछ थोड़ी एक दूरी पे जाके उसने सडनली मुझे कहा, पापा गाड़ी का यू टर्न लीजिए आप। अब एक्सप्रेस वे पे गाड़ी का यू टर्न एक काफ़ी लंबा दौर, एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है यू टर्न लेने के लिए। मैंने उसको समझाया भी नहीं, यार अब यू टर्न नहीं पापा, मुझे पीछे कुछ काम रह गया, मुझे आप यू टर्न लीजिए। बेटे की बात सुनते हुए मैंने गाड़ी का यू टर्न लिया, गाड़ी वापस मुड़ी और फिर कोई एक जगह पे आके उसने गाड़ी रुकवाई, पापा प्लीज़ गाड़ी रोकिए। वो गाड़ी से उतर के उसने कुछ सामान सड़क पर से उठाया और वो लेके मेरी गाड़ी में बैठा वो, और हमारी गाड़ी में एक डिस्पोजेबल बैग थी उसमें रखा। मैं यकीन मानिए मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है बताने में, वो कुछ एक केले का छिलका था और कुछ पेपर थे जो मैंने खुद फेंके थे। मैंने उसको समझाया, मतलब बेटा ये आपके सफाई रखने से क्या हो जाएगा, बट उसका आउटबर्स्ट रिएक्शन था, पापा हम भी आज हिंदुस्तानी हैं, नागरिक हैं हम यहाँ के देश के, अपनी ड्यूटी है कि अपन सफाई रखें, गंदगी ना करें, दूसरे जो करते हैं उनको करने दो, लेकिन अपनी कोशिश रहनी चाहिए कि अपने तो कम से कम सफाई पे ध्यान दें। वो एक टाइम ऐसा लगा, इट मतलब मुझे हिट किया बिल्कुल दिमाग पे कि भाई अगर ये बच्चा अगर इतनी सोच सकता है जो आज क्लास 10th का बच्चा है, तो आज हम नागरिक हैं हिंदुस्तान के, हमें कुछ इस तरीके से ही इस चीज़ को आगे लेके बढ़ना चाहिए कि एक वी सेट एन एग्ज़ाम्पल, हम एक एग्ज़ाम्पल सेट करें कि भाई यस वी शुड क्लीन, हैव ए क्लीन इंडिया फॉर्मेट। उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने सोचा क्यों नहीं इसको मासिस तक पहुंचाया जाए, तब ये चीज़ का दिमाग में आया, इस हिसाब से हमने इसको पिक्चराइज किया। सिंपल है, एक अवार्ड शो में बिल्कुल पीछे चुपचाप दिखाई दे, सिंपल है, कितने बड़े बिजनेसमैन हो के आपको कैसा लगता है सब चीजें? कभी अवार्ड शो कराते हैं, कभी कुछ महिलाओं के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, पीछे आपको एक महिलाओं पे मैगजीन थी उसकी लॉन्चिंग पे आप पहुंचे थे, तो बात करें ये सिलसिला कब शुरू हुआ था पहले आपका रिसोर्स समाज सेवा का जो बात है? देखिए समाज सेवा का सिलसिला कब शुरू हुआ कहना तो कठिन है, बट समाज सेवा से एक लगाव, एक खिंचाव, एक जुड़ा हुआ फीलिंग राइट फ्रॉम, मतलब अगर मैं मेरे एंसेस्टर्स की बात करूँ, दादाजी थे वो बिल्कुल एक क्रांतिकारी रहे, उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल में काम किया था चंद्रशेखर आज़ाद साहब के साथ, भगत सिंह जी के साथ में, फिर उन्होंने आरएसएस ज्वाइन की, बीजेपी ज्वाइन की,
तो वो एक मेरी जड़ों में है कहीं ना कहीं कि मैं कुछ समाज के लिए करूं। शायद प्रोत्साहन दादाजी का रहा, उसके आगे पापा ने काफ़ी चीज़ें की है सामाजिक हित के लिए। मैं भी बैकवर्ड सीट पे था, लेकिन किसी एक दोस्त ने समझाया कि अनिल अगर आप कुछ कर रहे हो तो क्यों नहीं आप उस चीज़ के बारे में जिक्र करो, मास्टर्स तक पहुँचो, लोगों को एहसास दिलाओ कि अगर मैं अपने सक्षम रूप में एक छोटे से तरीके से अगर कुछ कर सकता हूँ तो मेरे से काफ़ी लोग आज बड़े पैमाने पर हैं और वो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको उस चीज़ का एहसास हो कि वो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सर, जो आपकी मूवी है, एक आज के टाइम के टॉप एक्ट्रेस है, कंगना के हाथ से रिलीज हुई है, और इसमें अमिताभ बच्चन की वॉइस ओवर है इसके अंदर, तो कैसे ये सब चीज़ पॉसिबल हुआ? देखिए, कोई भी चीज़ आसान तो नहीं होती है, हर चीज़ में प्रयास करना पड़ता है, हर कुछ न कुछ कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बट रियली स्पीकिंग, मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे स्टारकास्ट का कि जब भी उनसे जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट शेयर किया, उन्होंने बिल्कुल आगे बढ़ के मेरे साथ हाथ मिलाया कि बिल्कुल हम आपके साथ में हैं। बिग बी का हर तरह से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। आज मैं उन्होंने वॉइस ओवर दिया डेफिनेटली, बाद में उन्होंने अपनी बाइट्स भी दी, वो आना चाहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकिन उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए, उन्होंने अपने बाइट्स दी हमें। और आज बच्चन साहब जब कुछ बोलते हैं तो आवाम तक वो बिल्कुल हिट करता है, और थैंकफुली उन्होंने इस चीज़ पे पूरा कंसंट्रेट किया। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने भी इस चीज़ की प्रोत्साहन देते हुए, इसकी प्रशंसा करते हुए हमारे साथ हाथ मिलाया। सर, चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, अगर बात करें आपके कुछ ऐसे काम है जो कहना बिल्कुल दिया दिखाने वाली बात है कि अभी हाल ही में एक सिंगर थी जो काफी गरीबी तंग हाल में जी रही थी और उसकी मौत, उसकी मेडिकल इलाज के लिए आपने काफी हेल्प की, काफी चर्चा में भी ये चीज है, लेकिन अनिल मुराल का काफी पीछे रही इस चीज में, अपने आप को वबाई उठाने वाली चीज नहीं है। देखिए, जिक्र करें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें आज किसी की मदद करना, उसमें कोई वाहवाही की उसमें ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। मेरे कैपेसिटी में मैं जो कुछ उनके लिए कर पाया जब तक वो ज़िंदा थी, मैंने कोशिश की कि मैं करूं, वाहवाही के लिए नहीं किया। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, मैंने कभी उस चीज़ के बारे में जिक्र भी नहीं किया है और ना मैं यहाँ कोई जिक्र करना चाहूँगा कि मैंने क्या किया। कोशिश की थी मैंने, शायद उनके काम आ सकूँ, शायद काम आया मैं उनके, और आने वाले दिनों में भी अगर कोई इस तरीके से किसी के काम आ सकूँ डेफिनेटली आना चाहूँगा, आगे बढ़ के कुछ करना चाहूँगा। सर, अनिल जी की लाइफ की बात करें, किस तरह के इंसान हैं, लाइफ की बात करें, दिनचर्या क्या रहती है आपकी शुरुआत से? यार, मैं बिल्कुल आपकी तरह एक साधारण आदमी हूँ, बिल्कुल एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। ये बिलीव करता हूँ कि भाई आज जिस मिट्टी में हम आए हैं उसी मिट्टी में एक दिन मिल जाना है। ये मैं आपको कोई फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा हूँ, दिल से एक एक शब्द निकल रहे हैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें अगर बड़ा स्टार करता है तो लकीरें बन जाती है, सलमान खान किसी का मेडिकल इलाज कराता है, लेकिन इतने कितने आप इलाज करा चुके हैं, कितने गरीबों की हेल्प कर चुके हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, दौर चालू रहेगा। ऊपर वाला जब तक मुझे सक्षम रखे डेफिनेटली मेरी पेरिफेरी में मैं जो कुछ भी कर सकूँगा ज़रूर करता रहूँगा। आगे और क्या प्रोजेक्ट है, रनिंग प्रोजेक्ट आपके? देखिए, प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात करें, सोशल कॉज ही मेरा कॉन्सेप्ट है। सोशल कॉजेस पे जो कुछ भी बन सकता है या बना सकते हैं हम लोग, वो ज़रूर करते रहेंगे। ऑफलेट जो पाइपलाइन में है वो कुछ ऑर्गन डोनेशन पे है, जहाँ पे हमने आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी के कुछ बाइट्स लिए हैं ऑन आई डोनेशन, उस पर कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है ऑन ब्लड डोनेशन ड्राइव्स। ब्लड डोनेशन एक सॉर्ट ऑफ ए फीलिंग है जो हर कोई चाहता है कि करें। आप अगर मुझसे बात करें, मैं भी कोई महात्मा नहीं हूँ, मैंने भी कोई ब्लड डोनेशन बड़े पैमाने पे नहीं किया है, मगर एक थॉट लिया है, उसको हम कोशिश करें कि उसको फ्लोर पे ले आएँ। इट्स नॉट अबाउट ब्लड डोनेशन, उसमें एक कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं हम कि आप लाइक लाइफ डोनेट कीजिए, ब्लड डोनेट मत कीजिए, आप डोनेट अ लाइफ। आपका आज जन्मदिन है, हर किसी का एक साल में एक दिन जन्मदिन आता है, उस दिन कम से कम एक बॉटल खून आप डोनेट करो। ऐसा समझो किसी को आपने उस दिन लाइफ दी है, ब्लड डोनेट नहीं किया आपने, किसी को लाइफ दी है। आप मानिए, हमने आंकड़े निकाले हैं, अगर ये चीज़ हो जाती है तो जो आज स्कैर्सिटी है खून की ब्लड बैंक्स में, वो अपने आप में हर तरह से पूरी हो जाएगी। लेकिन सर, आप डोनेशन की जो
बात आती है, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसका नाम लेना नहीं चाहेंगे, दान करने वाला दान कर देता है लेकिन कहीं ना कहीं दान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, इसकी हेल्प करनी है, तो उसमें आपका क्या विश्वास? देखिए, मैं इसीलिए कहा कि भाई जो सर्टिफाइड ब्लड बैंक्स हैं, मैं इस तरीके से बोलूँगा, जो सरकार ने आज सर्टिफाइड ब्लड बैंक्स की है, कम से कम वहाँ हम जाके डोनेट करें। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पे मत जाइए, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई कहीं कोई मजबूरी रही होगी, मुझे उस चीज़ में डिस्कस नहीं करना है। बट सरकार से जो भी सर्टिफाइड जगह हैं, चाहे वो ब्लड बैंक, बट डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं यही कहूँगा कि जो जो सर्टिफाइड की है सरकार ने, जिन जिन जगहों को हाईलाइट किया है, बस वहीं जाके करिए आप। थैंक यू सर, हमसे बात करने। थैंक यू।